अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक वन, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट अ यूनिट नंबर 10 व्हिच इज अबाउट द नॉटी मंकी। नॉटी मीन क्या होता है? शरारती। मंकी मीन बंदर, कि एक शरारती बंदर। ठीक है, देखिए जैसे कि ये ग्रेड वन है तो हम बच्चों का क्या करेंगे, पहले माइंड प्रिपेयर करवाएंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। जैसे हम बताएंगे कि हमारा टाइटल क्या है, शरारती बंदर, तो हम क्या करेंगे इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम बच्चों को वो सबसे पहले दिखाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों को ये तस्वीर दिखाएंगे कि बेटा आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। देखिए ऐसे लग रहा है ये फॉरेस्ट है, जैसे कि ये जंगल है। देखिए पीछे कितने ज़्यादा ट्रीज हैं और यहाँ पे क्या है, दो आदमी हैं। वो क्या कर रहे हैं, लगता है उन्होंने क्या किया, एक ट्री को काटा है, फिर उसकी लकड़ी को क्या कर रहे हैं, वो पार्ट्स में कर रहे हैं। और एक लंबी सी उनके पास क्या है, एक आरा है, जिसके ज़रिए दोनों क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट तस्वीर दिखाएंगे, इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। देखें वो दोनों आदमी क्या हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ पे कितने ज़्यादा बंदर आगे हुए हैं। और एक बंदर की जो टेल है, वो जो सुराख था जो कि वो दोनों लकड़ी काट रहे थे, क्या था उसमें फंस गई है। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे थे, लकड़ी को काट रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया, जो आरी थी ये वाली उसे साइड पर रखे, इसके अंदर लकड़ी का एक टुकड़ा फंसा दिया। बंदर से क्या किया, शरारती था, उसने ये निकाला तो उसकी जो टेल थी उसके अंदर फंस गई और उसकी वजह से वो चिल्लाना शुरू हो गए। ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ होगा। सबसे पहले इसमें है वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज। सबसे पहले क्या है, डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक, किसी भी चीज़ का क्या होना, हार्मफुल होना, किसी के लिए भी, वो पर्सन के लिए हो सकता है, एनिमल्स के लिए हो सकता है, किसी भी के लिए भी डेंजरस चीज़ हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, खतरनाक। ह्यूज, जिसे हम कहते हैं वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ा होना। ठीक है, साइज में किसी चीज़ का बड़ा होना उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूज कहते हैं। नॉटी, उसे हम क्या कहते हैं, शरारती, या फिर शरीर भी कहते हैं। साग को हम क्या कहते हैं, आरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी तस्वीरों में भी देखा ना, जिसके साथ लकड़ी को काटा जाता है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है श्रीक। ठीक है, ज़ोर से चिल्लाना उसे हम क्या कहते हैं, श्रीक कहते हैं। ऊंची ऊंची आवाज़ से जो चीखें मारते हैं ना उसे कहते हैं, जो एक हम लाउड आवाज़ निकालते हैं अपनी, उसे हम क्या कहते हैं, श्रीक कहते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ज़ोर से चिल्लाना। नेक्स्ट है वेज, लोहे या लकड़ी का पतला सा टुकड़ा, जिसे लकड़ी काट रहे थे उसे हम कहते हैं। ठीक है, अ पीस ऑफ वुड डैट इज थिक एट वन एंड एंड बिकम्स थिनर टूवर्ड्स द अदर एंड। ठीक है, जो कि वो लकड़ी का था ना वेज, वो भी हम तस्वीर में भी देखा था, उसे कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ होगा। हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो हम बच्चों से क्वेश्चन करें ताकि उनकी अटेंशन बनी रहे। वन एक डे दिन, टू दो मैन आदमी, एक दिन दो आदमी वर थे वर्किंग, काम कर रहे इन में द फॉरेस्ट जंगल में। एक दिन दो आदमी जंगल में काम कर रहे थे, जैसे कि हमें तस्वीर में नज़र भी आ रहा है ऐसे ही है ना, पीछे क्या है, सारा जंगल बना हुआ है, यहाँ पे दो आदमी हैं और वो काम कर रहे हैं। ठीक है, दे वो वर थे कटिंग, काट रहे एक ह्यूज बड़ा लोग लट्ठा। ठीक है, कि वो लकड़ी का एक बड़ा लट्टा काट रहे थे, जैसे नज़र भी आ रहा है एक लकड़ी का क्या बड़ा सा लॉग है। ठीक है, और उसे इन दोनों को क्या कर रहे हैं, वो दोनों इसे काट रहे हैं। दे वो वर्ड थे यूजिंग, इस्तेमाल कर रहे आ एक लॉन्ग लंबा, ठीक है, सा आरा, वो एक लंबा सा आरा यूज़ कर रहे थे। देखो ऐसे ना लंबा सा, एक तरफ भी और इस तरफ से दोनों पकड़ के उसे काट रहे हैं, और दोनों क्या कर रहे थे, एक लंबा सा आरा यूज़ कर रहे थे। और जब ये आरे को यूज़ कर रहे थे तो साउंड कौन से आ रही थी, स्विश 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 स्विश, इस तरह के साउंड आते हैं ना जब हम लकड़ी को काटते हैं, तो उस तरह की ये साउंड है। ठीक है, दे वो दोनों, ठीक है, दे यहाँ पे कौन है, ये दोनों आदमी हैं, वो दे वो पुल्ड खींचते एंड और दे वो पुश धकेलते, कि वो खींचते और धकेलते, एक दफ़ा ये इस तरफ को करता और अपनी तरफ खींचता, इसी तरह ये एक तरफ इधर करता और एक तरफ अपने, मतलब ऐसे। ठीक है, एक तरफ एक दफ़ा वो क्या करते, खींचते और फिर क्या करते, धकेलते, दे पुश्ड एंड दे पुल्ड, वो धकेलते और खींचते।
दे वो मेड आ डीप, उन्होंने एक क्या कर दिया, एक गहरा कर दिया कट चीरा इन द वुड, लकड़ी में, देखो नजर आ रहा है ना यहाँ तक लकड़ी काट ली है इन्होंने, लकड़ी में एक गहरा चीरा बना दिया। ठीक है, इट ये वास्ता हार्ड, सख्त वर्क, काम, ये एक सख्त काम था, द मैन, आदमी, वर्क थे, ठीक है, टायर्ड, थक जाना, कि आदमी थक गए थे क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम किया तो वो दोनों क्या हो गए, थक गए। ठीक है, द मैन वर टायर्ड, कि आदमी थक गए, दे वो स्टॉप्ड, रुक गए, टू रेस्ट, आराम के लिए, ठीक है, वो आराम के लिए रुक गए, उन दोनों ने काम किया वो थक गए और फिर आराम के लिए वो रुक गए, दे इन्होंने पुट डाउन, रख दिया, देयर जो उन्होंने पकड़ा हुआ था अपना, ठीक है, देयर अपना सा आरा, कि इन्होंने अपना आरा रख दिया, इन द कट, और जो वो गहरा चीरा था, ठीक है, ये जो चीरा था, ठीक है, नज़र आ रहा है ना जैसे उन्होंने किया था, उस चीरे के अंदर पुट रख दिया आ वेज, ठीक है, उन्होंने एक लकड़ी का वो अंदर रख दिया, ये यहाँ पे क्या है, वेज है, ठीक है, लकड़ी का, एक देखिए एक तरफ से ब्रीक और दूसरी तरफ से मोटा, मतलब चीरे के अंदर उन दोनों ने ये रख दिया, वेज को रख दिया इन्होंने, ठीक है, कि इस चीरे में इन्होंने एक वेज लगा दी ताकि चीरा क्या बंद ना हो जाए, ठीक है, इन दोनों ने, द टू मैन, दोनों आदमी, सेट डाउन, बैठ गए, टू ईट, खाने के लिए, ठीक है, दोनों आदमी खाने के लिए बैठ गए, आ लिटल लेटर, थोड़ी देर बाद, दे वो वेंट टू स्लीप, सो गए, थोड़ी देर बाद वो सो गए, क्यों सो गए, हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वो थक चुके थे, थकने की वजह से वो क्या हो गया, वो सो गए, सून, जल्द ही, शाम, चांद या कुछ, मंकीस, बंदर, केम, आ गए, हेयर, देयर, वहाँ पर, जल्दी वहाँ चंद बंदर आ गए, जैसे कि हमारी तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है, दे उन्होंने, किन्होंने, बंदरों ने, ठीक है, लुक्ड, देखा या फिर नगाह डाली, एट द मैन, आदमियों पर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, आदमियों पर नगाह डाली या उनको देखा, वन बेबी मंकी, जो एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, वास था, वेरी, बहुत ज़्यादा, नॉटी, शरारती, कि बंदर का एक बच्चा बहुत शरारती था, ठीक है, ही वो रैन टू द लोग, वो जो लट्ठा था ना वो उसके ऊपर क्या करना शुरू हो गया, भागना शुरू हो गया, जैसे कि हमने तस्वीर में भी देखा, ही वो जम्प्ड, उछला, एंड और डांस्ड, नाचने लगा, ऑन द टॉप, ऊपर पर, ऑफ इट, इसके ऊपर, ठीक है, उसने क्या किया, वो उछला और उसके ऊपर नाचने लगा, हम बच्चों को बार बार तस्वीर दिखा सकते हैं, बेटा इसमें देखो नाच रहा है ना वो, इस तरह का रहा, ठीक है, हिज, इसकी मदर, माँ, शाउटेड, चिल्लाई, इसकी माँ चिल्लाई, गेट डाउन नाउ, ठीक है, गेट डाउन, उतर जाओ नीचे, ठीक है, उसने कहा नाउ, अभी, कि नीचे उतर आओ अभी, इट्स, ये है डेंजरस, खतरनाक, कि नीचे उतर आओ अभी, ये खतरनाक है, द नॉटी मंकी, शरारती बंदर ने, डिड नॉट लिसन, बंदर ने ना सुनी, शरारती बंदर ने ना सुना, मतलब अपनी मदर की बात ना सुनी, हम बच्चों को यहाँ पे रिमाइंडर करवा सकते हैं कि बेटा हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, कौन कौन सा बच्चा अपने मामा की बात मानता है, अपने बड़ों की कौन कौन बात मानता है, हमें हमेशा बात माननी चाहिए, अगर हम बात नहीं मानेंगे तो हमें क्या उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ही वो डांस नाचा, डांस्ड नाचा, एंड और ही सैंग गाया, ठीक है, कि उसने वो नाचा और इसने गाना गाया, ही सैंग एंड ही डांस्ड, फिर वो गाया और नाचा, ठीक है, ची ची वी, ये साउंड निकाल रहा था, ठीक है, कौन, जो बेबी मंकी था वो, जस्ट लुक एट मी, कि मेरी तरफ देखो, आई एम अ क्लेवर मंकी, कि मैं एक चलाक बंदर हूँ, द नॉटी मंकी, ये जो शरारती बंदर था, सा द वेज, इसने क्या देखा, वो जो वेज था इसने वो देखा जो लकड़ी का बना हुआ था, ही पुल्ड इट, उसने उसे खींच लिया, देखें जब उसने ये खींचा ना, जैसे ये देखें ये जो लकड़ी थी, इस जो कट था, चीर था, उसके अंदर लटकाई हुई थी, उन्होंने फंसा दी हुई थी, जब इसने इसे देखा तो इसने इसे बाहर निकाला, ठीक है, तो गलती से क्या हो गई, इसकी टेल इसके अंदर फंस गई, ठीक है, द वेज केम आउट, ये जो वेज था वो क्या हो गई, बाहर आ गई, देयर वाज अ लाउड, ठीक है, आवाज़ कौन सी थी, देयर वाज अ लाउड, कि एक जोरदार तड़ाका हुआ, स्नैप, ठीक है, द मंकीज टेल, ये जो बेबी मंकी था ना उसकी जो टेल थी, वाज कॉट, ठीक है,
कि इसमें क्या हुआ, जो बेबी मंकी की दुम थी, टेल थी, वो उसमें फंस गई। ये उसने क्या निकाली, ओ ओ, ये इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। श्रीक चिल्लाया द लिटल मंकी नन्ना बंदर। द मैन, जो दो आदमी थे, द मैन, वो कब, वो बेदार हो गए, मतलब बंदर ने ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर दिया और वो दोनों क्या हो गए, उसकी आवाज़ से उठ गए। यहाँ पे हम बच्चों को से पूछ सकते हैं कि बेटा आगे क्या हुआ होगा, क्योंकि हमारी स्टोरी तो कम्प्लीट नहीं है। इसी तरह हम बच्चों को कोई वीडियो दिखा सकते हैं जिसके ऊपर ये कंप्लीट स्टोरी हो। हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका क्या ख्याल है, जो बेबी मंकी था उसकी टेल क्या कट गई होगी उसकी वजह से, या फिर वो बच गया होगा, या उन दोनों आदमियों ने उसकी मदद की होगी, क्या हुआ होगा। हम बच्चों में सस्पेंस क्रिएट करवा सकते हैं कि इसके अबाउट कोई भी स्टोरी देख के आए, या आप दिखा सकते हैं कोई भी बच्चों से रिलेटेड, इसमें आप कोई भी उनसे एक्टिविटी करवा सकते हैं। वाइल्ड रीडिंग पढ़ने के दौरान यहाँ पे क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। जैसे कि हमारी स्टोरी कम्प्लीट नहीं है, नेक्स्ट है वाइल्ड रीडिंग। वाइल्ड रीडिंग पढ़ने के दौरान कैन यू गेस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ होगा टू द नॉटी मंकी, ये जो शरारती बंदर था, आफ्टरवर्ड, इसके बाद, ठीक है। आई थिंक, मेरा ख्याल है, द मैन, आदमियों ने, वुड हैव गॉट मंकीज टेल आउट ऑफ द कट, कि मेरा ख्याल है कि आदमियों ने बंदर की जो दुम थी चीरे से बाहर निकाल दी होगी। इसी तरह हम डिफरेंट आन कर सकते हैं, मे बी उसकी टेल कट गई हो, ठीक है। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा। हम बच्चों में सस्पेंस क्रिएट करवा सकते हैं क्योंकि हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आज हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज जिसे हम सरगर्मियाँ कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, समझकर पढ़ना, जिसमें सबसे पहले क्या है, आंसर क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे बच्चों से हम क्वेश्चन पूछें, वो इसका क्या आंसर देते हैं। व्हाट वर द मैन डूइंग इन द फॉरेस्ट, के आदमी जंगल में क्या कर रहे थे, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं वो क्या कर रहे थे। दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग, दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग, कि वो एक बहुत बड़ा लट्ठा काट रहे थे। यहाँ बच्चे सिर्फ इसमें शॉर्ट आंसर कर सकते हैं कि दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग, है ना, तो बच्चे बस लिख सकते हैं कि अ ह्यूज लॉग, कटिंग अ ह्यूज लॉग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाई डिड द मैन स्टॉप वर्किंग, कि आदमियों ने काम करना क्यों बंद कर दिया। दे स्टॉप्ड टू रेस्ट, उन्होंने आराम करने के लिए काम को रोक दिया। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द मैन डू व्हेन दे स्टॉप्ड, ठीक है, कि जब आदमी रुक गए तो उन्होंने क्या किया, तो क्या किया था उन्होंने, इसका आंसर ऊपर राइट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है, इसका आंसर यहाँ पर राइट किया गया है, दे, इन्होंने पुट अ वेज इन द कट, इन्होंने चीरे में क्या एक वेज रख दिया। दे एट, उन्होंने खाना खाया। दे वेंट टू स्लीप, और इसके बाद वो सो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी का ये आंसर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डिड द लिटल मंकी डू, कि नन्हे बंदर ने क्या किया। ही डांस्ड एंड सैंग अ लॉग, ठीक है, कि उसने क्या किया, उसने, नन्हे बंदर ने उस पे लट्ठे पर नाचा और गाया। दे डांस्ड एंड सैंग ऑन लॉग। हु वाज वेरी नॉटी, सबसे शरारती कौन था, शरारती कौन था, तो हम क्या कहेंगे, बेबी मंकी, ठीक है, कि जो छोटा बच्चा था बंदर का, वो सबसे ज़्यादा शरारती था। नेक्स्ट है, मार्क द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, इसमें हमने बताना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है। तो जो ट्रू होंगे उसके आगे हम टी राइट कर देंगे, जो रॉन्ग होंगे उसके हम एफ राइट कर देंगे, और उसे हम, इसके हम क्या करेंगे, री राइट करेंगे करेक्शन करके, ठीक है। राइट देम इन योर नोटबुक, इसे हम कैसे देखें, सबसे पहले द ओल्ड मंकी वॉज नॉटी, कि जो बूढ़ा मंकी था वो शरारती था, तो ये क्या है, रॉन्ग है, तो हम एफ लिख देंगे, और करेक्शन इसकी हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे द बेबी मंकी वॉज नॉटी, ठीक है, कि जो बच्चा था, बेबी था, वो शरारती था, इस तरह हो जाएगा, द बेबी मंकी वॉज नॉटी, ठीक है। नेक्स्ट है, थ्री मैन वर कटिंग द वुड, तीन आदमी क्या लकड़ी को काट रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, ये भी क्या है, रॉन्ग है, तो हम एफ राइट कर देंगे, और कितने आदमी थे, टू थे, तो हम लिख देंगे टू मैन वर कटिंग द वुड। द लॉग वाज क्वाइट स्मॉल, ये भी रॉन्ग है, क्वाइट वो तो था ही नहीं, वो क्या था, ह्यूज था, तो हम लिखेंगे द लॉग वाज ह्यूज स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, द मंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर, बिल्कुल ऐसी है,
ठीक है, मंकी क्या है, उसने क्या किया था, अपनी मदर की बात कोई भी ना सुनी, तो ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, तो इसे हमें करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। द मंकी जम्प्ड अप ऑन द लॉग, बिल्कुल ट्रू है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फाइंड वर्ड्स, लफ्ज़ों को तलाश कीजिए इन द स्टोरी, कहानी में, बिगनिंग विद मतलब जिनसे वो स्टार्ट होते हैं, कहानी से ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए जो शुरू होते हैं, किन किन से शुरू होते हैं, कि इस पूरी स्टोरी में जो एम से वर्ड शुरू होते हैं वो राइट करें, और इधर डब्ल्यू से, एस से, पी से और डी से, जो एम से शुरू होती हैं वो है मंकी, मैन, मदर, मेड एंड मी। डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड थे वुड, वर्क, वांट एंड वेज। एस से शुरू होने वाले थे स्लीप, स्विश, स्टॉप, सा। पी से पुट, पुल्ड, पुश्ड। डी से डे, डीप, डांस, डेंजरस। डांस, डीप, डे एंड डेंजरस, ठीक है, ये डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड यू हैव फाउंड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको सबसे लंबा लफ्ज़ कौन सा मिला, ठीक है, इन सब में से, तो हम क्या कहेंगे, डेंजरस, खतरनाक, कि सबसे लंबा लफ्ज़ कौन सा इसमें, डेंजरस। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। रीड द सेंटेंसेस, कि इन जुमलों को पढ़िए। लुक एट द डूइंग वर्ड्स, कि काम करने के अल्फाज को देखिए। डूइंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ड्स भी हम उन्हें कहते हैं। जैसे है रीदा ईट्स मैंगोस, तो ये क्या है, एवरी डे, ठीक है, वो खाती है। रीदा इज ईटिंग अ मैंगो नाउ, मतलब भी वो खा रही है, जैसे कि नज़र आ रहा है, रीदा एट अ मैंगो यस्टरडे, कि उसने मैंगो खाया था। विच डूइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द पास्ट, राइट देम इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए लुक, तो इसकी पास्ट में बताना हमने, ठीक है, यहाँ पे पास्ट कहा गया ना, अबाउट द पास्ट, पास्ट में क्या होगा, लुक का क्या होगा, लुक्ड, ठीक है, वॉक का वॉक, प्ले का प्लेट, फाइंड का फाउंड, ड्रिंक का ड्रैंक, सी का सा, लाफ का लाफ्ट, शाउट शाउटिट, ईट एट, रन और रैन, ठीक है, इसके ये होंगे पास्ट में। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द नॉटी मंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर, कि जो शरारती बंदर था उसने अपनी मदर की बात ना सुनी। एंड लुक व्हाट हैपेंड टू हिम, और उसके साथ देखो क्या हुआ। डू यू लिसन टू योर पेरेंट्स, क्या आप अपनी पेरेंट्स वालिदैन की बात सुनते हैं। यहाँ पे बच्चे येस और नो में आंसर करेंगे अपने अकॉर्डिंग। डिस्कस व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिसन टू योर पेरेंट्स, क्यों ये ज़रूरी है अपने पेरेंट्स की बात को सुनना। बच्चे यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे हम डेंजरस किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है बच्चे, अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर। ये बेसिकली लिसन एंड स्पीकिंग, इसमें बोलकर और सुनकर बच्चों ने आंसर देना होता है, कोई भी इसमें बच्चे अपने अकॉर्डिंग 1-2 सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चैलेंज है, कैन यू फाइंड 5 डूइंग वर्ड्स ऑन पेज नंबर 85, कि पेज नंबर 85 पे क्या है, काम करने के 5 अल्फाज ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 से काफी ज्यादा लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने 5 कहा लेकिन हमने तो काफी ज्यादा लिख लिए हैं। देखें लुक्ड है, रैन है, जंप्ड है, वॉक, डांस, शाउटेड, डिड है, श्रीक्ड, सैंग, सा, पुल्ड एंड केम, ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, 85 पेज नंबर, इससे बच्चे इनमें से कोई भी 5 कर सकते हैं। यहाँ पे है एक्टिविटी, करने का काम। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मंकी, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, एक बंदर की तस्वीर को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट, कि इसके बारे में चंद जुमले लिखिए कि आपके ख्याल में आगे क्या हुआ होगा। जैसे कि हमने स्टोरी अपनी रीडिंग की थी, तो रीडिंग क्या थी हमारी, कंप्लीट नहीं थी, तो अब हमें कहा जा रहा है कि आपके ख्याल में क्या हुआ होगा। यहाँ पे हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है, जम्प्ड अप, वेरी फ्राइटेंड, वेरी हैप्पी, नॉटी, हेल्प्ड, नेवर अगेन, ठीक है। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए अब हमने क्या करना है, हेयर आर सम वर्ड्स टू यूज़, इनको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, स्टोरी का एंड करेंगे, क्या हुआ होगा। अब इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि बोथ मैन, दोनों आदमी, वो कब उठ गए, कि दोनों आदमी बेदार हुए या दोनों उठ गए। व्हेन, जब दे सा, उन्होंने देखा, द मंकी स्टेल, कि जो बंदर की दुम है, ठीक है, कट इन द लॉग, कि वो क्या है, बंदर की दुम फंसी हुई है, ठीक है, उसमें लॉग में। दे जम्प्ड अप, वो जल्दी से उठ बैठे, ठीक है, उछल कर उठे वो। एंड और रैन टूवर्ड हिम, और दोनों क्या हो गए, किसकी तरफ दौड़े, इस बंदर की तरफ भागे।
वन जब दे द बेबी मंकी जो बच्चा था बंदर का सा देखा देम इन्हें कमिंग आते हुए ही बिकेम वो हो गया या वेरी बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड, ठीक है, मतलब डर जाना घबरा जाना। जब नन्हे बंदर ने इन्हें आते हुए देखा तो वो डर गया। ऑल अदर मंकीज और दूसरे जो बंदर थे उसके साथ, ठीक है, कि सब बंदर क्या थे, रन अवे, भाग गए, सब बंदर भाग गए एक्सेप्ट स्वाय हिज मदर इसकी माँ के, कि सब जितने भी बंदर आए थे वहाँ पे सब भागे स्वाय इसकी माँ के, ठीक है। हु वाज नाउ आल्सो क्राइंग, जो कि अब वो भी रो रही थी। द मैन हेल्प्ड, ये जो आदमी थे उन्होंने मदद की, द नॉटी मंकी, इस शरारती बंदर की, कि इन आदमियों ने इस शरारती बंदर की मदद की। एंड और सून, जल्द ही, ठीक है, ही वो वास फ्री, और जल्द ही वो आज़ाद हो गया। हिज मदर, इसकी माँ ने, वास वेरी हैप्पी, और इसकी माँ खुश होगी, टू सी डैट, ये देखकर, और इसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। द नॉटी मंकी, जो शरारती बंदर था, रन टू हर, अपनी माँ की तरफ भागा, एंड और प्रोमिस्ड, वादा किया, द ही विल नेवर डू इट अगेन, कि वो अब कभी भी दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स की बात नहीं सुनते तो हम किसी भी डेंजर में फंस सकते हैं। इसी के साथ आज हमारी ये रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। लास्ट में ये कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह मेरे चैनल पे इंग्लिश सेंटेंसेस, जो कि आप बच्चों के साथ स्पीकिंग कर सकते हैं, उनके साथ कैसे हम स्पीकिंग कर सकते हैं स्कूल में, अपने घर में, इसके अलग से वीडियो अपलोड हैं, प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 की भी अपलोड वीडियोज़ हैं न्यू ऑक्सफोर्ड सिलेबस की, आप वो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।